जबकि इन्होंने कहा सजेशंस, am I right? वो जो सबसे ज़्यादा नज़दीक की बात है, सजेशन वहाँ तक सीमित नहीं है, एग्जैक्ट उसका जो व्याख्या हम कह सकते हैं हिप्नोसिस का, वो ये रहेगा अनक्वेश्चनेबल एक्सेप्टेंस ऑफ सजेशंस। जहाँ पर आदमी का मन किसी भी प्रकार का क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस लगाए बिना सजेशन को एज इट इज एक्सेप्ट करता है। सो अनक्वेश्चनेबल एक्सेप्टेंस ऑफ सजेशन इज हिप्नोसिस। वेरी वेरी जेंटल एंड सिंपल उसका मैं इक्वेशन बताता हूँ। अगर वो हम कहा जाए तो वो लेवल हमारा टिल एज ऑफ 9th होता ही है। 90 साल तक माँ बाप जो बताते हैं वो हमें सत्य लगता है। माँ बाप ने कहा यही सही है तो हाँ यही सही है, ये आग है इसको हाथ लगाएगा हाथ जलेगा, फिर हम एक्सेप्ट कर लेते ना, हाथ डाल के तो चेक नहीं करते जलता है कि नहीं। बाय चांस 100 में से एक आधा बच्चा चेक कर लेता है जिसका हाथ जलता है, फिर बोलता है हाँ माँ बाप ने कहा तो अच्छा है सही था। बट टिल द एज ऑफ 9 आपका माइंड जो है इमोशनल माइंड वो पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस लेवल में होता है। लेकिन 9 एज तक आपको जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं लाइफ के, उससे फिर आपका क्रिटिकल माइंड तैयार हो जाता है। क्रिटिकल माइंड का काम है एनालिसिस करना, एनालिटिकल माइंड। और हिप्नोसिस करता क्या है कि एनालिटिकल माइंड या क्रिटिकल माइंड को बाजू में रख के अंदर का जो इमोशनल माइंड है उसको सरफेस में लाता है, और आपकी इमोशंस का बेनिफिट लेकर आपको ट्रांस में भेजा जाता है। एट दैट लेवल ऑफ ट्रांस आप ऑटोमेटिकली एक ऐसी स्थिति में जाते हो जहाँ पर एक प्रकार का बॉडी में रिलैक्सेशन होता है। एवरी हिप्नोसिस इज हैविंग रिलैक्सेशन। जो भी हम हिप्नोसिस जो सोचते हैं, यानी आपने कहा मोहिनी ये वगैरह वगैरह, तो हमारा दिमाग में वही हिप्नोसिस है। या हमारे दिमाग में हिप्नोसिस ये है कि आदमी पड़ा हुआ है, उसके हाथ से गोल्ड बिल निकाल लिया, हाथ साफ कर लिया, वो चले गए, ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ हिप्नोसिस है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ट्रांस हिप्नोसिस है वो एक पार्ट है। देन अनदर हिप्नोसिस दैट आई ऑलवेज टीच टू पीपल वो है कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस या कोवर्ट परसुएशन, कोवर्ट हिप्नोसिस। थ्रू कोवर्ट हिप्नोसिस आप आदमी को वेकिंग कंडीशन में रखकर भी चेंज कर सकते हैं। और तीसरा एक मैं हिप्नोसिस कहता हूँ जो है कि वेकिंग हिप्नोसिस या थ्रू स्टोरी टेलिंग भी। आपके बचपन में आपकी माँ दादी नानी आपको स्टोरी बताती थी और उन स्टोरीज के बीच में कुछ सजेशन होते थे और आप स्टोरी सुनने में इतनी तन्मयता या इतनी तंद्रावस्था या इतना आपका ट्रांस लग जाता था कि उसमें आए हुए एम्बेडेड सजेशंस अनक्वेश्चनेबल एक्सेप्टेंस ऑफ सजेशन हो जाता था। और आप उस हिप्नोटिक स्टेट में जो भी आपने सजेशन लिए है वो सालों सालों के बाद भी सरफेस होकर आपको काम आते हैं। एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, उनकी माता जी थी, वो उनको बचपन में बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज बताती थी और थ्रू दो स्टोरीज उनके कथाओं से उनका माइंड जो मन है इतना बढ़िया डेवलप हो चुका था कि ही वॉज अ मोस्ट फ्लेक्सिबल, मोस्ट स्ट्रांग, मोस्ट एक्सेप्टेबल। जिस दृष्टि से आप देखो आदमी बढ़िया था, ईश्वर समान हम सब कहते हैं क्योंकि उतना लेवल का उन्होंने अपने आप को बना दिया था। उनके अंदर वो बहुत सारे गुण जो थे वो माँ के बचपन में जो बताई स्टोरीज थी उसमें से प्राप्त हो गए थे। यानी अनक्वेश्चनेबल एक्सेप्टेंस ऑफ सजेशन थ्रू स्टोरीज भी हो सकता है, दैट इज वेकिंग हिप्नोसिस। पर्सनली मैं वेकिंग हिप्नोसिस और कोवर्ट हिप्नोसिस सिखाता हूँ और ट्रांस हिप्नोसिस भी करता हूँ। और एक चौथा फैक्टर है जो आपको पता होगा कि वो है स्टेज हिप्नोसिस। लेकिन स्टेज हिप्नोसिस में बहुत सारे गिमिक्स है, बहुत सारी मजा मस्ती है जो कि मैं यहाँ करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि स्टेज हिप्नोसिस का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 50 से 100 लोग होने चाहिए। फिर उसमें से जो फैक्टर जिनका है उन्हीं को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। यानी उसमें वो हिप्नोसिस जो है वो वॉलंटियर के बेस पे होता है, बिकॉज एवरी हिप्नोसिस रिक्वायर वन हिप्नोटी। यानी जिसके ऊपर आप ट्रांस करने वाले हो वो जरूरी है। अगर जिसके जो आपका सब्जेक्ट है वो ही नहीं होगा तो हिप्नोसिस इज यूजलेस। हिप्नोटिस्ट बड़ा नहीं है, बड़ा हिप्नोटी है जो ट्रांस में जाता है। ट्रांस में जो जाता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हिप्नोटी के सिवाय हिप्नोसिस जीरो है और हिप्नोटिस्ट भी जीरो है। हिप्नोटिस्ट को हिप्नोटी चाहिए जिसके ऊपर वो हिप्नोटिस्ट के हिप्नोटाइज कर सकता है, उसको ट्रांस में भेज सकता है। सो इन स्टेज हिप्नोसिस में थोड़ा गिमिक्स होता है जिसमें बहुत सारे कारनामे करतब कराए दिए जाते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं क्योंकि वो सिर्फ उसी के लिए होता है।
स्टेज के लिए होता है, वो जीवन में नहीं आता है. वेल माय इंटेंशन इज फॉर कंसंट्रेशन एंड मेंटल रिलैक्सेशन. ओके, सो मैं आपको वहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ. उसके पहले मैं आपको माइंड के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ. हम अपने आप को स्वतंत्र इंसान समझते हैं, बराबर, लेकिन क्या हम स्वतंत्र इंसान है? वेदर वी आर हैविंग फ्रीडम टू चूज एनीवन? क्या हम जो भी सोचते हैं या हमारा सोचना किसी ने तय तो नहीं किया है? वी आर बॉन्डेड, बॉन्डेड, वी आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी, सोसाइटी इज बर्डन ऑन द बॉडी. करेक्ट. क्या ऐसे नहीं लगता आपको प्रोग्राम किया गया है? yes. आप इसी तरह से सोचे ऐसा बम्बार्डमेंट आपके ऊपर होता है. गवर्नमेंट जो चाहता है उसी प्रकार का एजुकेशन होता है. यस, गवर्नमेंट जिस प्रकार का एजुकेशन आपको एजुकेट करवाना चाहता है उसी प्रकार के आपके बुक्स होते हैं, हिस्ट्री के या वगैरह, उससे अलावा कुछ भी नहीं होगा. एम आई राइट? यानी प्रोग्रामिंग करना ये दुनिया भर के हर एक गवर्नमेंट का काम है. सोसाइटी को अपनी तरह से प्रोग्रामिंग किया जाता है. आपको बचपन से ही इस तरह का प्रोग्रामिंग आपके ऊपर किया जाता है. दैट मीन्स वन थिंग इज क्लियर, भले सिस्टम आपको प्रोग्राम करती हो, मीडिया आपको प्रोग्राम करता हो, एड्स आपको प्रोग्राम करते हो, जैसे कि आप कोई वनस्पति लेने जाते हो, मैं किसी के ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपके कोर में से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में से एक ही वनस्पति घी का नाम आता है. एम आई राइट? अगर आप टूथपेस्ट लाने जाते हो तो फटकर के आप टूथपेस्ट नहीं मांगते हो, या पर्टिकुलर ब्रांड मांगते हो. तो ब्रांड आपके ऊपर प्रोग्राम किया गया है मीडिया हैमरिंग ने, हाँ, बम्बार्डमेंट, हाँ. तो दैट मीन्स योर माइंड इज प्रोग्रामेबल. और इतना ही नहीं, हमारे माइंड के पास बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं. जैसे कि आप पूरा दिन भर जो भी सीखते हो, पढ़ते हो, नया कुछ गैदर करते हो, रात को सपने आपको आते हैं. एक्चुअली जो सपने हैं वो और कुछ भी नहीं, जो आपने दिन भर एक्नॉलेज किया है, गैदर किया है, उसके ऊपर ब्रेन प्रोसेस करता है, और वो ब्रेन प्रोसेस करके नेक्स्ट डे के लिए आपको छोड़ देता है. सो सेम वे आप प्रैक्टिकली ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हो. आपके यू कैन प्रोग्राम योर माइंड. सो वी आर प्रोग्रामेबल क्रीचर्स, वी कैन से, लेकिन और वी कैन से वी आर सच अ मशीन्स कि जो खुद को खुद प्रोग्राम भी कर सकती है. आप खुद को प्रोग्राम कर सकते हो. मैं आपको एक अच्छा आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ अभी. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिप्नोसिस, यू कैन से, बिकॉज हिप्नोसिस एवरीवेयर. हिप्नोसिस 24 आवर्स. आपको सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है. मैंने लास्ट टाइम दिया था यहाँ पर एक्सरसाइज, नहीं दिया था? एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज देता हूँ. आप इस तरह से करके देखो, जो आपका पिलो है, आप सो जाओ इस तरह से पेट के ऊपर, और अपने सर को कितने बजे आपको उठना है, समझो 4 बजे उठना है जल्दी. अगर आपके पास कोई टास्क है, यानी कल आपको पिकनिक को जाना है और 5:30 बजे का ट्रेन है, और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए 45 मिनट्स है, और आपको तैयारी के लिए समझो आधा घंटा लगता है, और दूसरे 15 मिनट, तो 1.5 घंटा पहले 3:30 बजे आप भले 10 बजे सो जाओ या 11 बजे, 3:30 बजे अपने आप उठ जाते हो. तो ये कौन करवाता है आपसे? आपके माइंड ने प्रोग्राम किया हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, और उसी समय आपको उसके अंदर एक अपना क्लॉक है, और उस घड़ी पे वो टर टर करके बजा के आपको जागृत अवस्था में लाता है. तो सेम वे आप तय करके सोच के ऐसा प्रोग्राम भी कर सकते हो. उसके मैं आइडिया टेक्निक बताता हूँ. अगर आपको कल 5 बजे उठना है, और आमतौर पर आप 6 बजे 7 बजे उठते हो, मैं अलग अलग टेक्निक बताता हूँ. आप आपकी पीलो को ले लो, और पीलो के ऊपर अपने सर को 1 2 3 4 5 बार पटको, और हाँ करके देखो, और कहो कि मैं 5 बजे सुबह उठ रहा हूँ. जस्ट से एज इफ मी उद्या 5 वाजता उठते हूँ, काले सवारे 5 वागे उठू छू, आई एम गेटिंग वेकअप बाय 5 AM. ऐसा आप बोल दो अपने सब, एज इफ मैं बोल दो कि मैं 5 बजे उठता ही हूँ रोज. ऐसा 5 बार हैमर करके करो, या आप आपका हाथ ले लो और सर पे यहाँ पर राइट साइड पे 1 2 3 4 5 इस तरह से मार के देखो, हो जाएगा. एक मजे की बात है, एवरी हिप्नोसिस रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल, एंड रिलीजन इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट हिप्नोटिज्म. और रिलीजन में ज़्यादा से ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि रिचुअल आपके पास रिलीजन है लेकिन कोई रिचुअल ही नहीं है, तो फिर वो रिलीजन का कोई मतलब ही नहीं ना भाई. मेरा ये फला फला धर्म है, फिर तुम्हारे धर्म में करते क्या? कुछ नहीं करते. सुबह उठते, शाम को सोने को जाते, अरे और क्या करते हैं? कुछ नहीं, खाना खाते हैं, जो विधि अपना खाना पीने जो शरीर का वही करते. फिर तुम्हारे धर्म में और क्या है?
एवरीबडी इज गोइंग टू आस्क यू तुम्हारा धर्म में और क्या है. वो जैसे ऐड में पूछता इट्स डिफरेंट, तो पूछा व्हाट इज डिफरेंट, इसमें डिफरेंट क्या है. एक ऐड आता नहीं क्या, क्योंकि सभी सॉस एक प्रकार के है, तो आपका सॉस बेचना है तो इसके लिए कहता है वो बार बार इट्स डिफरेंट. तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि मेरा धर्म ऐसा है कि जो आप 24 आवर जो काम करते हो वो सब मेरा धर्म है, ये धर्म हो ही नहीं सकता. बिकॉज रिलीजन इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ हिप्नोसिस एंड इट रिक्वायर सम रिचुअल. नहीं हम भाई इस तरह से हाथ जोड़ते हैं या इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, भाई हम ऐसे चादर फैला के बैठते हैं, या हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, या कोई कल धर्म निकालेगा उसमें ऐसी प्रार्थना होगी कि एक पैर ऐसा रखो और एक पैर ऐसा रखो. हाँ अभी वो धर्म सक्सेसफुल होगा क्योंकि उसमें रिचुअल है. रिचुअल से माइंड प्रिपेयर होता है. तो मैंने आपको सुबह उठने के लिए खाली रिचुअल का टेक्निक बताया कि एक तो आप 1 2 3 4 5 पीलो के ऊपर अपना सर को पटक लो, या तो 1 2 3 4 5 इस तरह से मार के कहो कल सुबह, हर रोज सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ. इससे भी अलग विदाउट रिचुअल्स, जैसे मैंने कहा हिप्नोसिस में 2 प्रकार हो सकते हैं, एक रिचुअल थ्रू और एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. जैसे मैंने इनके साथ थोड़े समय बात की थी कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को भी यूज कर सकते हो. सुबह उठने के पहले आपको कितने बजे उठना है, समझो 5 बजे 4 बजे, तो एक रात को सोते समय ऐसी कल्पना करो आप सोने को चले जा रहे हो और जस्ट इमेजिन कि कल सुबह हो चुकी है और आप उठ रहे हो, लेकिन आप नॉर्मली नहीं उठ रहे हो. वो जो आपकी जो घड़ी है उसके अंदर जो घूमने वाले कांटे हैं, वो कांटे और वो जो घड़ी, उसको पैर है, उसको हाथ भी है, और उसने हाथ में अपने कांटों को लिया है और छक 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 करके सच उसके ऊपर से अंगार निकल रहा है, और वो घड़ी चलते चलते आपके पास आई है और आपको 5 बार या 4 बार ऐसा टोच करके करे, उठो 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 नहीं तो काट डालूंगा उठो, और ऐसा करके आप सो जाओ. और सुबह उठने के पहले देखो 4 बजे खटक करके आपको नींद में से आप जागृत अवस्था में आ जाओगे. बिकॉज यू कैन प्रोग्राम योर माइंड, वी आर मशीन, ऐसे मशीन है हम जो खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं. एंड हिप्नोसिस इज वेरी वेरी यूजफुल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. तो मैंने आपको एक रिचुअल वाला हिप्नोसिस करवाना है आपसे, ओके. और एक मैंने कहा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वाला करवाना है जो कि हमारे मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आएगा, और एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए हो सकता है. ठीक है, ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं ना, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल. कुछ ना कुछ तो रिचुअल होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो क्रिया होनी चाहिए, क्रिया होने से वहाँ पर मजा आएगी. तो मैंने आपको एक सिंपल जेंटल टेक्निक यूज करना है. आपने ओमकार सुना होगा, ओमकार में क्या होता है मेन, ओम सबसे मेन है उसमें का मकार. अगर उसमें हमिंग जो साउंड है, दैट हमिंग साउंड